सेना और नागरिक प्रशासन ने पट्टन बारामूला में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के 6 बैचों के सफल समापन पर कश्मीर घाटी के युवाओं के साथ बातचीत का आयोजन किया, जिसे सही रास्ता के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आतंकवाद और हिंसा के चक्र के विकल्प के रूप में कश्मीरियत शांति और समृद्धि के सार के माध्यम से कमजोर युवाओं के संज्ञानात्मक दिमाग को संबोधित करना है। इस कार्यक्रम का विजन नया कश्मीर इस सपने को साकार करना है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 150 युवाओं ने विभिन्न बैचों में भाग लिया है, जहां उन्हें जीवन और इतिहास और कश्मीर के लोकाचार और इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विशेषज्ञ संरक्षक युवाओं को पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इस अवसर पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग काउंटर इंजेंसी फोर्स किलो और कमांडर 10 सेक्टर RR उपस्थित। इस अवसर पर बोलते हुए COC किलो फोर्स ने कहा कि घाटी स्थिरता और शांति की अवधि का आनंद ले रही है, जो पिछले 3 दशकों से नहीं जानी जाती थी। इस्लाम ने हमेशा शांति और सद्भाव की शिक्षा दी है। यह एक ऐसा विश्वास है जो अनगिनत व्यक्तियों को कई लोगों के लिए आशा लाते हुए ईमानदारी सत्य निष्ठा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ निहित स्वार्थ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं का दिमाग खराब करते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर डाल देते हैं। इस उम्र में वे जो चुनाव करते हैं उसका प्रभाव केवल उन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उनके परिवार, गाँव, समाज और पूरे देश पर भी पड़ता है। कश्मीर के असली नायकों मकबूल शेरवानी, लेफ्टिनेंट उमर फयाज, LNK नजीर अहमद वानी के उदाहरणों का हवाला देते हुए COG किलो फोर्स ने उन्हें उनका अनुकरण करने के लिए कहा। तकरीबन एक साल से ये चल रहा है और 21 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसमें ये बच्चे यहाँ पे आके रहते हैं और हमारे जो मेंटर्स हैं इनसे बातचीत करते हैं, बताते हैं किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, किस तरह से जो सोच विचार करना है, जो भी चीज़ें मे बी कश्मीर में हो रही हैं उसके बारे में सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में उनको पता करना है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे चलता है और हम ये सिर्फ ये मुआयना लेने आए थे कि जो हमारे जो बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।